मिथिला लाइव द्वारा दिखाई गई खबर का 24 घंटे के अंदर हुआ असर। बीते करीब डेढ़ वर्ष से नरकीय स्थिति में जी रहे पुरानी मुंसफी मोहल्ले के लोगों की पीड़ा हमने मंगलवार को दिखाई थी, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और आधी रात को ही मिट्टी गिरा दिया गया और बुधवार को खुद महापौर ने मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण का शुभारंभ किया और लोगों को जल्द ही इस समस्या से मुक्ति का आश्वासन दिया। महापौर खेड़िया ने नाला निर्माण को इतने विलंब का कारण बताया और साथ ही इस बरसात से पहले लोगों को बड़ी सौगात देने का मन पूरी तरह बना लिया है, इससे मोहल्ले के लोगों में उल्लास का माहौल है। इस अवसर पर उनके साथ अजय जलान, कमरे आलम सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि मोहल्ले के ही सरफराज अनवर, पार्षद डब्बू खान, पार्षद शाहिद रब सभी लगातार इस समस्या को अपने अपने स्तर से उठाते रहे हैं। मिथिला लाइव अपने दर्शकों का धन्यवाद करती है जिसने अपनी आवाज बनने का हमें अवसर दिया और साथ ही महापौर को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी खबर पर संज्ञान लेते हुए त्वरित एक्शन लिया। ये मिट्टी कितने बजे करीब गिरा है? रात में 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद ये मिट्टी गिरा। ये लगता है 1, 2, 3 रब्बर गिरा है मिट्टी। यही रास्ता है, नाला है, ये भी रास्ता है। मैम, ये सालों से ये निर्माण रुका हुआ था, नगर निगम द्वारा पास किया गया था, आज आपने इसका उद्घाटन किया, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये कितना जल्द बन सकता है? ये नाला निर्माण के चलते कुछ हम लोग को लेट हुआ। नाला निर्माण में साल भर इन्होंने ऑर्डर टेंडर होने के बाद भी साल भर के बाद ये नाला बना, उसके चलते रोड का टेंडर होने के बाद हम लोग को टाइम कोरोना हो गया और लॉकडाउन हो गया, उसमें लेट हो गया है। अब हम लोग इसको बहुत अच्छा रोड बनाएंगे और हमारा अंदर से संभावना है। ये कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि ये लोगों को, इस मोहल्ले में सैकड़ों घर को प्रभावित है, इसको चलना बहुत मुश्किल है, आज आपने उद्घाटन तो कर ही दिया है, लेकिन कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि ये रोड बन जाएगा? हम केस भाई से कह रहे हैं कि केस भाई, जितनी केस भाई काम रुकता नहीं है, स्टार्ट होने के बाद हमको इतनी उम्मीद है और हम इनको बार बार इसके लिए धन्यवाद देते रहते हैं और हमको उम्मीद है कि ये जल्दी ही ये काम शुरू कर रहे हैं तो जल्दी ही ख़त्म भी करेंगे और ये बहुत अच्छा मॉडल रोड बनेगा। क्या उम्मीद किया जा सकता है, आज आप लोगों ने इसका उद्घाटन कर दिया है, क्या उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण हो जाएगा? इसको दो पार्ट में बनाना है, आधा ही अभी हो रहा है, आधा बाकी है, उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन हमको क्या उम्मीद कर सकते हैं कि काम शुरू हुआ है तो शुरू हो ही ना जाएगा, बन ही जाएगा 2-4-5 दिन में, सब हो ही जाएगा 10 दिन के अंदर। आज तो शुरू होवे किया है, मौसम साथ देगा तो 1 हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं बचा हुआ आधा भी हम लोग जल्दी ही कोशिश करेंगे जो हो जाए। ये रोड पूरी कंप्लीट होगी और दोनों तरफ फाइबर लगेगा इसमें और ये मॉडल रोड बनेगी, ये हम लोग का अंदर से ये है उम्मीद हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अच्छा करेंगे। और अभी तक हम लोग नगर निगम के माध्यम से बहुत रोड बनवाए हैं अपने तत्काल में और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हाँ, क्या कहना क्या चाहेंगे? दरभंगा मेयर से हम आशा करते हैं कि समाज के लोग जो एक साल से नहीं, विगत 3 वर्षों से पानी हेल रहे हैं, नाला में चल रहे थे, फिर भी विश्वास किया मेयर पे, आज मेयर आई हैं और हम सब लोग मोहल्लावासी, इस वार्ड के लोग और दूसरे वार्ड से भी लोग आना जाना है, इस रोड से लिंक रोड है एलएन मिश्रा से, ये नेशनल रोड में और पूरी मजबूती के साथ ये रोड बनना चाहिए, हम उनसे यही आग्रह करते हैं।